लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्ते साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और आज आपको बता दें कि जिस विषय की हम चर्चा करेंगे वो है कि बिहार में तो शिक्षक बहाली के मुद्दे पर है, नियोजित शिक्षकों का मामला है और कई मुद्दे, खासकर एसटीटी पेयरिंग, डीएलएड पेयरिंग और साथ साथ कई मुद्दों की चर्चा हम करेंगे। और चर्चों के मुद्दे के संदर्भ में आपको हम बता दें कि दो तीन मुद्दे आज सुबह में भी हम लोग गए थे मिलने बिहार के डिप्टी सीएम, जो पहले विरोधी दल के नेता थे विधानसभा विधान परिषद में, श्री सम्राट चौधरी जी। आज उनसे एक डेलीगेशन के रूप में मुलाकात हुई। हमारे साथ शिक्षाविद गुरु रहमान और कई नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी और जो एसटीटी अपीयरिंग के छात्र हैं जिनकी परीक्षाएं मार्च में संभावित होगी, खत्म होगा, तो उनकी मांग है कि दूसरे फेज तीसरे फेज की बहाली में जो शिक्षकों की बहाली चल रही है उनको कहीं ना कहीं मौका मिलने की बात चल रही थी। और सारी चीज़ों पर जो डेलीगेशन के रूप में जो समस्या थी उस समस्या के समाधान के लिए, आप सबको पता है कि नियोजित शिक्षकों की समस्या, खासकर 350,000 से ज़्यादा नियोजित शिक्षक इस प्रदेश में पढ़ा रहे हैं, उनको नौकरी की संभावना है, वो लगातार नौकरी कर रहे हैं, कोई 18 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, और एक चिट्ठी निकला है। इस चिट्ठी के माध्यम से ये तय हुआ है कि आप जिस सेवा में हैं उस सेवा में आपको रहना है। अगर आपको बढ़ना है, राजकर्मी का दर्जा लेना है, तो शर्त है यही है कि आपको 3 बार परीक्षाएं देनी है। परीक्षा अगर आप फिर पास नहीं करते हैं तो आपको सक्षमता परीक्षा, जिसका नाम है, और 5 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह सौंपा गया है कि सक्षमता परीक्षा के आधार पर आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। अगर आप फेल कर जाते हैं तो जिस सेवा में हैं उस सेवा से आपको वंचित किया जाएगा, कहने का मतलब नौकरी से हटाया जाएगा। तो सारी चीज़ें, सारे बिंदुओं पर आप सबको पता है कि कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट विधानसभा घेराव के दौरान हुआ और लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनका एक बहुत बड़ा वर्ग, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी बीजेपी मुख्यालय यानी भारतीय जनता पार्टी के जो पटना में मुख्यालय है वहाँ पर गए और सारी समस्याओं को लेकर जो अवगत कराया। तो आप सबको पता है कि प्रेस के माध्यम से सारी चीज़ें हुई, लाठीचार्ज हुआ। तो मुझे लगता है कि छात्रों अभ्यर्थियों के सवाल पर जो सवाल है, जो बिंदु है, वो कहीं ना कहीं रौंदता जा रहा है। और जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने मुलाकात की है और आज भी हम लोग मिले हैं। हम लोग के साथ में जो 10 सूत्री मांग है उसमें प्रमुख मांग है कि एसटीटी अपीयरिंग के छात्र को मौका मिले तीसरे फेज के बाहर फॉर्म अप्लाई करने का। दूसरी प्रमुख मांग डीएलएड छात्र जिनका अगस्त में सेशन हो रहा है, वो चौथे फेज के बहाली में बैठेंगे, उनकी समस्या को लेकर दूसरी मांग है जो उनको दिया गया। तीसरी प्रमुख मांग जो डोमिसाइल को लेकर है, डोमिसाइल को लेकर पहले भी प्रखर तर्क के साथ भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को बनाती रही है, आज पुनः आपकी सरकार सत्ता में आप हैं तो आप इस चीज़ को देखें कि कैसे आगे बढ़ना है और सारी चीज़ों पर बिंदुवार उनको दिया गया है। चौथी मांग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर है। दूसरे फेज की बहाली में 14,700 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बीपीएससी को नोटिस गया था शिक्षा विभाग से कि पूरक परिणाम जारी कर रहे हैं, परंतु पूरक परिणाम जारी नहीं हुए। पूरक परिणाम जारी नहीं हुए, बस खाना पूर्ति हुई। TRE1 में आप सबको याद है कि TRE1 में 4700 पदों के मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया। तो अभी और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि बीपीएससी में जो सिविल सेवा की परीक्षा है उसका अपर एज जो है 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष या 3 बार या 2 बार अतिरिक्त मौके देकर परीक्षा में बैठाने की जो बाध्यता है, जो उम्र सीमा की बढ़ोतरी की मांग आज नहीं पिछले 1 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। और उसके लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी से लगभग 4 बार छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल भी मिला, उनको बताया भी समस्या का, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देश के तमाम राज्य, लगभग 20 से ज़्यादा राज्य अपनी सिविल सेवा की उम्र सीमा यानी राज्य सिविल सेवा के परीक्षाओं में ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी की है, कहीं 40 वर्ष, कहीं 42, कहीं 44, कहीं 45 वर्ष भी हुआ है। कोई ऐसा राज्य नहीं बाकी है देश में जहाँ के सिविल सेवा परीक्षा में ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी नहीं की गई है, परंतु बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 37 वर्ष यानी पूरे देश में सबसे न्यूनतम 37 वर्ष जो है वो आयु निर्धारित हुई है। तो साथियों, अब जो जिस बिंदु की चर्चा हम करेंगे कि आने वाले समय में किस तरह की चीज़ों, और सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि 1 दिन का समय दीजिए, इस सारे मुद्दों पर हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, खासकर TRE3 में जो STET मुद्दे को लेकर, STET अपीयरिंग, DLED अपीयरिंग के मुद्दे को लेकर, और उम्र संबंधित मांग यानी 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष करने का शिक्षक बहाली में और सिविल सेवा दोनों में, और अटेम्प्ट को लेगा जो 3 बार परीक्षा में बैठने की जो बाध्यता है उसको समाप्त करके कम से कम 5 बार बैठने की बाध्यता को पूरा किया जाए। इन सारे मुद्दों पर हम लोगों ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की है और साथ साथ सारे बिंदुओं पर चर्चावार हुई है और उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से सकारात्मक जवाब भी दिया है कि इस मामले में मंत्री नीतीश कुमार जी से एक मुलाकात करेंगे वो और सारे मामलों पर सुलझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए
जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, नियोजित शिक्षक हों या तीसरी फेज के बहाली में बैठने अपियरिंग की मांग को लेकर हुए शिक्षक अभ्यर्थी, सारे मुद्दों पर मुझे लगता है कि समाधान होगा। अगर समाधान नहीं होता है तो लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई है उसको लड़ने की जरूरत है। हम लोग जल्द से जल्द आगे की बातचीत करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।